अस्सलाम वालेकुम। समा हेडलाइंस आपने देखी, मैं हूं महरुख शहरयार। अभी अहम खबर आ रही है, सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में क्या बात सामने आ सकी है, बात करेंगे। उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं, उस्मान अहवाल बताएगा इस मुलाकात का। जी बिल्कुल, वजीर आजम शहबाज शरीफ की ईवान से दरामद हुई थी, जहाँ पर उनकी सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से मुलाकात हुई है। एक हफ्ते बाद सदर और वजीर आजम की मुलाकात हो रही है, क्योंकि शहबाज शरीफ ने जब से हाल बताया था उसके बाद से मुलाकात नहीं हो सकी थी, तो अब ये टाइम तय हुआ। उसके बाद इस मुलाकात में इस मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। ज़राए का ये दावा है कि वजीर आजम की जानिब से गवर्नर की तैनाती का मामला जो है वो सदर ममलिकत के सामने रखा गया, और खसूसी तौर पर जो गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा का मामला है, जिस तरीके से उनकी बदतरफी और उसके बाद उनको काम जारी रखने की हिदायत की गई, उससे जो आईनी बहरान और एक हिजानी कैफियत थी, उस हवाले से वजीर आजम ने यह मामला सदर के सामने डिस्कस किया है। और ये इस बात पर इतफा किया गया, रिपेय किया गया कि आइन और कानून को मुकदम रखते हुए जो भी कदम उठाया जाएगा उसको आइन को सामने रखा जाएगा। और इस बात पर इतफाक हुआ कि आइंदा मिलकर जो है वो काम करने पर इतफाक किया गया है सदर वजीर आजम की मुलाकात। बहुत शुक्रिया आपका उस्मान खान, तफसीलात के लिए।